अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि हेल्दी भी होने वाली है और बहुत टेस्टी भी होने वाली है। तो आपने नाम तो सुना होगा ही टूना फिश का, और टूना फिश कैसे बनती है, चलिए मेरे अंदाज़ में कैसे बनाते हैं आइए आपको सिखाते हैं। और ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है, फुल प्रोटीन है, इसे आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। तो सबसे पहले इसके लिए चाहिए होगा हमें टूना फिश। ये वाइट मीट होती है, ये वर्जिन ऑलिव ऑयल में होती है, और ये फ्रोज़न आती हैं, कैन में आती हैं। आप चाहें तो इनको अपने लाकर डीप फ्रीज़र में रख सकते हैं, जब भी दिल करे आप निकाल कर इसे बना सकते हैं। इन पर इसकी एक्सपायरी डेट दी होती है, ये 1 से 2 साल तक आराम से चल जाती है। ये इस तरह के छोटे छोटे कैन में आती है और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरे अंदाज़ में तो ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले मैंने इसको केन को बाहर निकाल कर रख दिया था फ्रीज़र से, ताकि ये थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट हो जाए। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के अनियन, जिनको हमने बारीक चॉप कर लिया है। 2 से 3 हरी मिर्च ली हैं, इनको बारीक चॉप कर लिया है। थोड़ी सी हरी धनिया की पत्तियाँ हैं, उनको चॉप कर लिया है। तो 2 से 3 वो हैं लहसुन है, और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का है जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। और नमक है और मिर्च है, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है। और एक्स्ट्रा ऑयल मैंने रख लिया है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ करूँगी, अगर नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से ऑलिव ऑयल होता है। आप ये देख सकते हैं जो इसमें येलो कलर की ये लेयर आपको दिख रही है, ये ऑलिव ऑयल ही है। अभी हम इसे जब डिफ्रॉस्ट करेंगे तो इस ऑयल का ही यूज़ हम करेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। तो जिस कढ़ाई में मुझे बनाना था उसी में मैंने ये केन रख दिया, ताकि जब कढ़ाई गर्म होगी तो ये अपने आप ही मेल्ट होने लगेगा और आराम से निकल आएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मेल्ट होने लगा है, ऑलिव ऑयल जो है वो ऊपर आने लगा है। तो इसको इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका ऑयल ऑयल जो है वो निकाल लिया है, और ये इस तरह से हो गई है। और ऑयल को जैसे ही गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें अपने और इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑयल और नहीं इस्तेमाल किया है, वही ऑयल है जो ऑलिव ऑयल केन के अंदर था, वही वाला ऑयल हमने यूज़ किया है। तो जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम सबसे पहले इसमें डालेंगे प्याज, जो बारीक काट के हमने पहले से रखा था, इसे डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे जब तक फ्राई करेंगे तब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता और हल्का सा सॉफ्ट नहीं हो जाता। बहुत ज़्यादा इसे ब्लैक नहीं करना है, और वरना इसका टेस्ट भी ख़राब होगा और कलर भी ख़राब होगा। यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च, जो हमने बारीक चॉप करके रखी थी। आप कितना तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से मिर्च घटा बढ़ा सकते हैं। मैंने 2 से 3 हरी मिर्च का इस्तेमाल यहाँ पे किया है, क्योंकि रेड चिली मैं कश्मीरी मिर्च डालने वाली हूँ और तीखी नहीं डालूंगी। अब हम डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक, जो चॉप करके मैंने पहले से रखा है, यानी कि अदरक लहसुन, इसको भी हम डाल देंगे। और इसको डालने के बाद इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, ताकि ये अच्छे से भुन जाए और तेल में अच्छे से मिल जाए। तो आप ये देख सकते हैं अब मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। तो इसको डालने के बाद अच्छे से हम और थोड़ा देर भून लेते हैं, क्योंकि ताकि जो हमारे जिंजर गार्लिक की रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और इसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि प्याज हल्के हल्के धीरे धीरे से ट्रांसपेरेंट होने लगी है। अब आगे का हम प्रोसीजर करेंगे, जो हमने टूना फिश निकाल के रखी है वो हम इसमें ऐड करेंगे। आप इसे बस इन बेसिक इंग्रेडिएंट से ही बनाइएगा, और इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट्स मत डालिएगा, उससे क्या होगा इसका टेस्ट ख़राब ही होगा, वरना इन इंग्रेडिएंट से ये बहुत अच्छी बनेगी। और थोड़ी सी मैं इसमें राई डाल रही हूँ, 1/4 चम्मच से भी कम। राई से क्या होगा, खटास पैदा होगी और खटास फिश में बहुत अच्छी लगेगी। तो अब हम डाल रहे हैं इसमें ये टूना फिश, जो हमने पहले से डिफ्रॉस्ट करके रख ली थी। ये इस तरह के पीसेस में निकलेगी, आप धीरे धीरे स्पैचुला की हेल्प से इसे थोड़ा थोड़ा करके बीट कर लिएगा, तो ये आपको एकदम कीमे की फॉर्म में हो जाएगी, जिस तरह से कीमा बनाते हैं या ऑमलेट बनाते हैं उस तरह से ये होने लगेगी। ऑमलेट की जो भुर्जी बनाते हैं उस तरह से ये होने लगती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये मेल्ट होगी आराम से टूटने लगेगी और भुनने लगेगी। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये टूटने लगी है और भुन रही है। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना जो पहले से हमने निकाल कर रखा है नमक और मिर्च। तो नमक आप कितना खाते हैं उस हिसाब से डालिए, और मिर्च तो मैंने यहाँ पे कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल किया है,
क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा सा कलर चाहिए था इस पे। और बाकी और कोई भी मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्च कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ मिर्च डालेंगे और नमक डालेंगे। तो आइए इसमें डालते हैं मिर्च और नमक। तो ये आप देख सकते हैं मैं मिर्च और नमक डाल रही हूँ यहाँ पे। जैसे ही ये पड़ेगा इसका कलर चेंज हो जाएगा और बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। और इसे करीब करीब 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से और भून लेंगे। फिश ऑयल छोड़ने लगेगी और एकदम जो है ड्राई होने लगेगी। तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि फ़िश डन है। इसको एक्स्ट्रा कोई गलाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये पहले से ही फ्रोज़न और पकी पकाई होती है। अब इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि खटाई आमचूर पाउडर जिसे कहते हैं। 1/4 चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर यानी कि खटाई, जो इसके टेस्ट को बहुत इन्हेंस कर देगी और इतना लाजवाब टेस्ट आएगा कि आप खाएंगे तो दिल खुश हो जाएगा। हमेशा याद रखिए कि जितनी भी वाइट मीट होते हैं उनमें खटास की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे चिकन है, फिश है, इन्हें जब तक आप खटास नहीं डालेंगे जब तक इनमें मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू का जूस भी डाल सकते हैं, जब खाने बैठिए तब डालिए, तब बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। और उसके बाद अब ये ऑलमोस्ट तैयार हो ही चुकी है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ हरी धनिया की पत्ती से गार्निश कर रही हूँ। और लीजिए टूना फिश बनकर तैयार हो गई। कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह।